भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप में अपने तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को हराने के बाद अब उनके सामने स्कॉटलैंड की चुनौती है। टीम इंडिया को हर हाल में अपना मुकाबला जीतना ही होगा, तभी विराट एंड कंपनी की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार रहेगी। अफगानिस्तान को 67 रनों से हराकर भारत ने अपने खराब रन रेट में काफी सुधार किया है। इसी तरह स्कॉटलैंड को भी आज बड़े अंतर से मात देनी होगी और साथ ही ये उम्मीद करनी होगी कि अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे। आपको बता दें, पहले मैच में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी भारत को 8 विकेट से हराया था, लेकिन तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया और 210 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, जो इस टी20 विश्व कप का सबसे बड़ा स्कोर भी था। इस मैच को भारत ने 67 रनों की बड़े अंतर से जीता, जिसके बाद टीम इंडिया के नेट रन रेट में भी काफ़ी सुधार आया है। ग्रुप दो से पहले ही पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, अब एक और टीम इस ग्रुप से क्वालिफाई होना बाकी है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत के बाकी बचे दो मुकाबले में कमजोर टीमों के साथ है, ऐसे में भारत को अपने बाकी बचे दो मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे और साथ ही साथ ये आशा करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपने बाकी बचे दो मुकाबले में से एक हार जाए। उम्मीद यही है कि भारत आज स्कॉटलैंड के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल करे और अपने सेमीफाइनल के सपने को बरकरार रखे। यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। ऐसी वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज़ चैटर को।